सब जल्दी में लग रहे हैं। क्या यहाँ कोई है? हेलो, पोकेमॉन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओहो, अच्छा तो तुम लोग यहाँ नए होगे और तुम हमारे गोरगाइस्ट फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पहुँचे हो। गोरगाइस्ट फेस्टिवल? सही कहा, ये यहाँ के लोगों का फेवरेट फेस्टिवल है। देखो इस वक्त सब यहाँ कॉस्ट्यूम पहन कर निकलते हैं। बहुत मस्ती करते होंगे ना? अच्छा तो वो बच्चे वही कर रहे थे, क्या हम भी इस फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं? क्यों नहीं। ओ अच्छा, तो चलो सब चलते हैं। इस फेस्टिवल के लिए हमारा कॉस्ट्यूम क्या होगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो। जैस्मिन, तुम अच्छे लग रहे हो। अगर तुम अपने कान नीचे नहीं रखोगे तो तुम नहीं लगोगे। वाह, क्या तुम सब गोरगाइस फेस्टिवल के लिए तैयार हो? सबसे बेहतर बनने को अकेले चल पड़े हो, मिलकर रहेगी ताकत पूरी। साबित करना है खुद को, कैसे करोगे वही है जरूरी। बनो हीरो, बनो हीरो, वही हो जो तुम चाहो। करो सामना बनके हीरो, ये दुनिया करती तुम ही बनाओ। ओके मोर हमारे हीरोज एनिस्टार सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हैश अपने सेवेंथ कार्लोस जिम बैच के लिए बैटल करने वाला है। बहुत प्रिटी है। हाय, ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? ओ हाँ, यहाँ गोरगाइस्ट फेस्टिवल में हम सब एक दूसरे को चॉकलेट्स बांटते हैं। यानी सिर्फ कॉस्ट्यूम का फेस्टिवल नहीं है। वाओ, अगर ऐसा है तो ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। वाह, तो चलो हम सबको बांटते हैं। चलो देखते हैं कितना ट्रीट करते हैं। पिकाचू भी यही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फेस्टिवल हमारे लिए ही बना है। ये बैनेट? हाँ, ये बैनेट कॉस्ट्यूम मस्त है। बस एक मुसीबत है कि जिप बंद करके बोलना मुश्किल है। पिकाचू का कॉस्ट्यूम तुम पर जच रहा है। ये इस कॉस्ट्यूम को दूसरी बार पहनकर मशहूर बना देगा। ठीक है, इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देंगे और पिकाचू को पकड़ ही लेंगे। हाँ पक्का। बहुत अच्छे, यह बहुत अच्छा। पंपकबू, पंपका प्रिंस पंपकबू, जरा इसे एक बार देखो तो। पापा, तुम्हें वो पसंद आया ना? पहले ये बताओ कि हम अपनी चाल कब चल सकते हैं। वो कौन है? मुझे क्यों देख रहे हो? शायद पोकेमोन है। कौन हो तुम लोग? हमारे पास कोई चॉकलेट नहीं है। बस नहीं करो, मैं माफी चाहता हूँ अगर ज्यादा डरा दिया तो। वहाँ वो महल देख रहे हो? वहाँ आज बहुत लाजवाब है। पेट भर कर अच्छा खाना खाने के बाद पिकाचू को आराम से पकड़ लेंगे। ये बिल्कुल सही बोली। हम तुम्हारे इनविटेशन को स्वीकार करते हैं। अचानक बुलाने के लिए माफी चाहूँगा। मेरा नाम है काउंट पंपका। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? बिल्कुल नहीं। मैंने आप सबको यहाँ खास वजह से बुलाया है। मुझे तुम्हारे पंपकबू के बारे में कुछ बात करनी है। मेरे पंपकबू के बारे में? ये बहुत ही खास पंपकबू है, क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा पंपकबू नहीं देखा। हमारे पास खास पंपकबू है क्या? मैं पता करता हूँ। पंपकबू हर साइज में पाए जाते हैं, पर तुम्हारा पंपकबू बड़े साइज का है। ये मुझे अभी पता चला। दरअसल मेरे प्रिंस ने सबसे पहले तुम्हारे पंपकबू को देखा था। प्रिंस तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती? ये मत बोलना कि तुम फीमेल हो।
तुम्हें ये नहीं पता था? नहीं, ये तो हद हो गई। लगता है यहाँ सब कुछ हमारे हाथ में है ना? और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फिर फायदा उठा लेते हैं। पर कैसा फायदा? मिस्टर काउंट, मुझे आपसे बस एक छोटी सी मदद चाहिए। हमारी पंकबू के पीछे कुछ बहुत बदमाश लोग पड़े हुए हैं। अरे नहीं, ये इतना खास है तो मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत बड़े विलन है जो लोगों के पोकेमोन चुराते रहते हैं। उन्होंने तो हमारा सबसे फेवरेट पोकेमोन भी चुरा लिया है। और वो कौन सा पोकेमोन था? पिकाचू। पिकाचू? ये तो इनके है जो पिकाचू की ड्रेस पहन के आया है। और अब वो हमारे पंकबू के पीछे पड़े हैं। ये गलत बात है। प्लीज मिस्टर काउंट, इस नाइंसाफी का इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। प्लीज हमारे पिकाचू को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आपने हमारी मदद की तो शायद। तुमने सही कहा, उन बदमाशों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू, बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने। सच में ये तो कमाल ही कर दिया। अब हम आराम से पिकाचू को भी चुरा लेंगे और टेस्टी डिनर भी कर लेंगे, वो भी बिना मेहनत किए। फ्री का खाना, वाह। देखो मुझे कितना मिला। ये सब एक बार में मत खा लेना। हाँ मुझे पता है। वो कौन है? ये पंपकिन पोकेमोन है जो पंपकबू से विकसित होता है। ये फुलमून के राज शहरों में भटकता है और अपने शिकार को हाथों से घेर लेता है जो बाल जैसे होते हैं। आप कौन है? तुम लोग वो पिकाचू चुपचाप हमारे हवाले कर दो बदमाशों। पिकाचू? क्या मतलब है आपका? गोर गाय शैडो बॉय। रुकिए, ऐसा मत कीजिए। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओके पनल भी टिक करो। पनल भी मट शॉट। अब हम उस पिकाचू को वापस लेकर जा रहे हैं। हमें खुशी है कि तुम वापस मिल गए प्यारे पिकाचू। क्योंकि मैंने शर्त पूरी कर दी है तो अब तुम्हारी बारी है। तो प्लीज मुझे वो दे दो जिसकी हमने बात की थी। चेस्पिन कहाँ है? उस महल में वहाँ ऊपर। ठीक है, हम तुम्हें वहाँ से वापस ले आएंगे चेस्पिन, ये मेरा वादा है। Who's that Pokemon? It's Gorgeist! Gorgeist! अगर मैं साफ साफ बोलूं तो मैं एक चीज तुम लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पंपकबू की दोस्ती मेरे पंपकबू से हो जाए और दोनों दोस्त बन जाएं। वाह, क्या बात है। वाह, हमें पिकाचू के बदले पंपकबू मिलेगा। रुको। मुझे मेरा चेस्पिन वापस करो। यही वो विलेन है। अच्छा तो तुम लेता हूँ गॉर्गास्ट। ये तो वही लोग हैं। पिकाचू तैयार हो जाओ। बनल भी तुम भी रेडी हो जाओ। ओके, ब्रेक फिन बाहर आओ। चार्ज और फिर इलेक्ट्रो बॉल। शैडो बॉल। मट शॉट अभी। गॉर्गास्ट शैडो बॉल। चार्ज और फिर फ्लेम थ्रोवर। इतनी आसानी से नहीं। हिडन पावर इस्तेमाल करो। थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। बनल्बी वाइल्ड चार्ज। पिकाचू को पकड़ो, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी सर, मेरे चेस्पिन को वापस करो। जब तक हमारा सौदा पूरा नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे। अब क्योंकि हमने पिकाचू को पकड़ लिया है तो अब हम अपनी बात को भी पूरी कर ले। यादें हैं अच्छी और बुरी दोनों, और ऐसे रिश्ते को एक पल में खत्म नहीं किया जाता। ये समझ लो कि हमारी दोस्ती का सौदा नहीं किया जा सकता। वो
मिनट रुको, मुझे पता है कि इस पिंजरे में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, अगर हम इसका कोई तोड़ निकाल ले तो। ये अच्छा आइडिया है। तुमने जो बोला उसे समझने के बाद एक नया ऑफर देता हूँ, इस मोबाइल के बदले पंप कबू। कितने भी पैसे। मोबाइल एक बहुत खास पोकेमोन है जो मेगा इवॉल्व कर सकता है। मेगा इवॉल्व, दिखाओ कमाल। ओके, 14 मंजूर है। अब पोकेमोन और ट्रेनर के बीच के रिश्ते का क्या हुआ? तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। क्या? यहाँ तो बात ज्यादा बिगड़ती जा रही है। सच में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सौदा मंजूर है। चलो ठीक है, तो सौदा पक्का करें। रेडी। और सौदा पक्का। बहुत बढ़िया, अब वक्त हो गया है, पंप कबू आगे आ जाओ। क्या सच में ऐसा हो रहा है? शायद वो विकसित हो रहा है। पंप कबू, ये बहुत सही समय है विकसित होने का। बिल्कुल, लगता है एक्सचेंज एवोल्यूशन हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हमारे प्रिंस को तो पंप कबू पसंद था। प्रिंस, तुम्हें पता भी है कि मेरा पंप हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने वाले हैं। इसमें नहीं आ रहा है, इसे वापस करो। वैसे भी अब गॉड गाइस का तुम क्या करोगे? तुमने सही कहा। निकल रहे हैं, पर हमने यहाँ टेस्टी डिनर भी किया तो इतना बुरा भी नहीं रहा, और हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है। रुको।